welcome back to my channel. And in today's video, I'm in CP. तो CP में ज़्यादा लोगों को street food पता नहीं है, except the famous Jain Chawal वाले. तो let's not cover that, but I'll be covering many other places. So I'm near Pappu Chaat Bhandar. It's right opposite Hindustan Times office and Dunkin Donuts and Indus Bank. तो इधर आराम से Google location पे आप डाल के पहुँच सकते हो. The timing of the shop is 9 a.m. to 9 p.m. and it's closed on Sunday. So let's try out what they've got to offer. और सर्दियों में खाएंगे आलू चाट. I'm at Pappu Chaat Bhandar. It's here in CP, right opposite Dunkin Donuts and Hindustan Times office. You can easily Google it out. So I'm having this spicy and tangy aloo chaat, which looks delicious to me. और मैंने sorry एक दो ना ऐसे खा लिया वीडियो खाने से, मैंने ये गरम गरम चाट खाने का ना दिल्ली की सर्दी में अलग मज़ा आता है. ठीक है, तो इस पर है खूब सारे मसाले, हरी चटनी और नींबू. So the potato is super crispy and super delicious. अच्छी हरी चटनी यूज कर रही है, मतलब मजा आ रहा है खाकर. So आलू चाट is probably my favorite winter food. और हरी चटनी तो मुझे बहुत पसंद है, सबको पता ही है जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं. और अब सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब करो यार. अच्छा, इम्पॉर्टेंट नोटिस, दिस प्लेस इज शट ऑन संडे बिकॉज भैया को भी अपना संडे बनाना होता है. तो प्लीज़ संडे मत आना. और टाइमिंग्स इस दुकान के हैं 9 o'clock to 9 o'clock. दिस शॉप इज़ अराउंड 45 years old. और इनसे पहले इनके पापा चलाते थे ये दुकान. और ये दुकान बहुत पुरानी है और बहुत बिजी और क्राउडेड रहती है. और क्यों ना रहे, अच्छा खाना भी तो मिलता है. सो दिस दे ऑल्सो हैव फ्रूट चाट्स, बट कहीं से देखते लगता है कि मैं हेल्दी खाना खाती हूँ. नहीं ना, तो आई एम हैविंग आलू चाट विच कॉस्ट ₹40 और जो फ्रूट चाट है वो 50. और ऐसे इनके पास दो तीन चाट और हैं जो बहुत टेस्टी हैं, पर अपन को तो आलू चाट पसंद है. सो गाइस, आई एम विद मिस्टर पप्पू. भैया का नाम असली पप्पू नहीं है ना? असली पप्पू ही है मैडम. पक्का? 100%. तो ये आप ही की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, तो भैया 45 ईयर्स से कर रहे हैं काम, है ना? मैडम मैं 35 से कर रहा हूँ. पापा करते थे हमारे पहले फूड, तो उससे पहले इनके पापा करते थे काम. और भैया इधर आप कितनी आलू चाट बेचते हो एक दिन की? एनी आइडिया? नहीं, आइडिया नहीं होता. कितने किलो आलू आते हैं ये तो मैडम बताते नहीं है. ये तो इसलिए ज्यादा बताती हूँ, क्यों नहीं बताते हैं? ताकि हम इनकी कैलकुलेशन ना करनी कितने बेचते हैं, फिर इन्हें इनकम टैक्स अचक करना पड़ जाए, फिर इनसे एमएनसी और पैसे ना वसूले, है ना भैया? वो सब कुछ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बताओ. चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. बहुत टेस्टी चाट थी, मुझे सच्ची मजा आ गया खा के. थैंक यू. Oh, 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 oh
So I'm in Jantar Mantar to try out their dosas. It's very popular and it's very cheap as well. I mean, when they started, it was very cheap. A lot of office-going people come here to have their lunch. So I'm having a paneer dosa with butter. So I asked him to add butter. I don't know why it's hyped so much. It's not that great. So the filling is fine, but the sambar is like very flavorless. Yeah, I don't know why it's so popular. And plus, they don't even have a sitting here. So I hope if they had a sitting or standing table, it would be fine. क्योंकि एक हाथ से खाना बहुत डिफिकल्ट है. सो मे बी दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, सो आई विल ट्राई आउट द मसाला डोसा. देखते हैं वो कैसा जाता है. आई होप अच्छा. इट हैज अ नाइस फ्लेवर ऑफ बटर, पर वैसे बहुत एवरेज है. I mean, this one is still better than the paneer one. Paneer wala to bahut bekar tha, I'm sorry. So both of them cost me around rupees 170, which I guess is a little overpriced because matlab itna khas nahi hai, I'm sorry. So you can easily avoid this whenever you are here in CP. सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस डे हैज़ बिन क्रेजी फॉर मी. मेरी कार भी टो हो गई थी और अब मैं फाइनली हूँ पांडेस पान पे. सो हाउ आई नो अबाउट पांडेस पान इज, इधर ओबामा ने पान खाया था. कैन यू गाइज इमेजिन, ओबामा पान खा के थूक रहा. नहीं, वो वैसे पान खा के दीवारों पर नहीं थूकता था ऑफकोर्स. सो आई विल बी हैविंग द सेम पान ओबामा एंड मिशेल ओबामा हैड. सो लेट्स ट्राई आउट द पान और देखते हैं कि हाइप है क्या इस जगह की. ठीक है, सो वी आर हियर. इधर आप जी पी एस में डालोगे ना तो आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा क्योंकि वो मैप में ठीक से बताता नहीं है. सो यू हैव टू रियली यू नो कॉन्सेंट्रेट कि वो आपको लोकेशन कहाँ दिखा रहे हैं, उधर आ जाना. सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट आई होप इट्स वर्थ इट. सो लेट्स ट्राई आउट एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. सो गाइज, आई एम विद द ओनर ऑफ पांडे पान, मिस्टर हरिओम पांडे. सो सर, आपको क्या कहना चाहेंगे पान के बारे में? और जो उसने खाया था ओबामा ने, मुझे वही खाना है. सेम ओबामा ने 80% डार्क चॉकलेट वाला पान खाया था, जिसे हमने उस वक्त सीजन जनवरी का था तो स्ट्रॉबेरी फ्रेश आ रही थी, तो हमने डार्क चॉकलेट के साथ पान को और स्ट्रॉबेरी के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाया था. इसके अपने बेनिफिट्स थे, पर हमारे पान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 30 सेकंड में माउथ मेल्ट हो जाएगा और जो चीज़ बेरीज हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, वो एक्चुअल हैं. और आजकल ग्लूकंद भी बहुत नकली तरीके के आ रहे हैं, जैसे पत्ता गोभी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप ग्लूकंद के ऊपर पानी डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल ग्लूकंद है कि इसमें पत्ता गोभी है. ये चीज़ आपको डिसाइड हो जाएंगी. तो जो भी आप ये फायर पान आइस पैन का आजकल बहुत ट्रेंड में देख रहे हैं, हम लोग इस चीज़ नहीं करते क्योंकि आग का कोई स्वाद नहीं होता और कच्ची बर्फ कोई फायदेमंद नहीं होती. बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. अगर आप देखिए, फायर पान खाने से आपके पेट में रैशेस, मतलब कि मुंह में रैशेस आ जाते हैं, आंतियों में जलन हो जाती है और पिंपल्स आ जाते हैं, पर आदमी ये भूल जाता है कि मैंने पान खाया था. बिग रेलिवेशन फॉर यू गाइज, जो आप लोग आइस पान और फायर पान खूब मजे में वीडियो के चक्कर में खा रहे हो, वो नहीं खाना चाहिए. आपके पेट में रैशेज और पिंपल्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं. सो मैं तो आजकल पक्का नहीं. आंखों को देख लो कितना गंदा होता है, मुंह में जबरदस्ती ठूसते हैं. ये एडवेंचर नहीं है पान, अच्छी चीज है. हाँ, तो गाइज प्लीज ध्यान से आगे से. सो भैया, मैं ओबामा वाला ही डार्क चॉकलेट अच्छा लगता है. हाँ, मैं खाने वाली हूँ चॉकलेट पान. पान में
चॉकलेट का आपको नटी फ्लेवर भी आएगा। डार्क चॉकलेट की हल्की बिटरनेस है और जो ऑथेंटिक पान होता है ना, बिल्कुल गुलकंद और बिल्कुल मीठा पान जैसा कहते हैं, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो ऑल इन वन उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल तरीके से बनाया गया है, जिसका फ्लेवर अंदर बर्स्ट होगा ना वो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर की डार्क चॉकलेट की कवरिंग है और उसके नीचे गुलकंद जो होते हैं भैया, गुलकंद ही रहते ना पत्ते को, जो गुलकंद पत्ता है उसके अंदर की स्टफिंग है, उसमें हेज़लनट भी है, रोज पैकिंग है और बहुत ही अच्छा और ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री भी है? हां, वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, शहद का भी इस्तेमाल हम लोगों ने बंद कर दिया। सो वेगन, ग्लूटेन फ्री और इसमें टोबैको भी नहीं है। सो गाइस, ऑल इन ऑल दिस प्लेस इज रियली क्लासी इफ यू वांट टू हैव ग्रेट पान्स। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं लाइक हनी आलमंड, ये फोर्थ फ्लेवर वाला, इसको भी आप एक बार ट्राई करें। इसके अंदर जो बेरी डाल रखी है वो आपको खा के गेस करनी है। इवन रेमिन बरार भी अपने फूड फूड वाले शो में निकले थे पार्टी से। सो भैया ने तो अब ठान लिया, वो तो मैं भी आ रही हूं इस वाले चैलेंज में। ये आप भी ले लो, अलग अलग नहीं नहीं अलग अलग, एक उसमें शेयर करने में टेस्ट नहीं आएगा मैडम, क्योंकि उसमें बेरीज अलग चली जाएगी। सो गाइस, दिस इज द फोर्थ इडियट पान। उन्होंने बोला कि रणवीर बरार ने फूड फूड चैलेंज भी पूरा नहीं कर पाए थे, मतलब Yes, कर करना है कौन सी बेरी, बेरी है इसकी। बाकी हमारे पास मोस्टली सारी बेरीज हैं और एक्चुअल में बेरीज अगर आप लीफ हटाएंगे तो दिख जाएगी, पर इसके अंदर हमने मैश कर रखी है। मैं वही करने वाली थी। चलो चीटिंग करते हैं थोड़ी सी। सो गाइस, यू कैन सी द पान, जो पत्ता है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं है जैसा नॉर्मल होता है, फ्रेश लीफ होती है, ये जगन्नाथी होती है, इसके अंदर पेप्साइन एंजाइम होते हैं जो पेट के डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। भैया ने पान में भी बहुत साइंस लगाई है यार। ब्लूबेरी भी है, ब्लैकबेरी भी है, क्रैनबेरी भी है हमारे पास, है क्रैनबेरी भी हमारे पास, क्रैनबेरी हमारे पास है, इसमें नहीं है होगा। आप फन एंजॉय करिए। गूसबेरी नहीं, नहीं गूसबेरी वो तो कहाँ होगी। न्यू ट्राई, कोई बताने को राजी नहीं है क्या है, तो आपको जरा आगे खुद ही खाना पड़ेगा। इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। मैंने जितने पान खा लिया ना, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग है। जैसे पता नहीं क्या, बटरस्कॉच आई हैव टू से इज माय फेवरेट फ्लेवर और दे हैव डन इट अमेजिंगली। बटरस्कॉच पान इफ यू आर बटरस्कॉच लवर ऑफ कोर्स, पर अगर डार्क चॉकलेट के आप फैंस हो, चॉकलेट का फैन कोई नहीं, कौन नहीं होता, कौन नहीं होता, डार्क चॉकलेट भैया आप अंदर क्या डालते हो बता दो, बेरी वाला, मुझे फिर रात में नींद नहीं आएगी। दोबारा सीपी वाले शो में आप आएंगे, आपको लाइव बनाते हुए दिखाऊंगा, मतलब दोबारा आना पड़ेगा आउटलेट पे सीपी वाले। सो गाइस, आप एक काम करो, M20 आप इधर आओ, वाला पान खाओ और मुझे बताओ कौन सा फ्लेवर है वो प्लीज, और गेस करने पे उसका इनाम क्या नाम है। तो आप सब जो आप मुझसे तो मांगेंगे जो शो में हमारे पूछे तेरे लिए पूछ रहे अंडा बनेगा फ्री ऑफ। सो गाइस बी हियर, रियली नाइस। सो गाइस इट्स रियली नाइस, डू कम हियर, डोंट ट्रस्ट द गूगल मैप, गूगल मैप आपको आसपास के मिलेगा पर आप किसी पूछ कर आ जाते हैं, ये जगह सबको पता ही होती है, राष्ट्रपति भवन के पास है। सो विद दिस इट्स अ रैप, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लव यू ऑल, बाय।